बारिश हो गई भाई स्टार्ट। ओए होए 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 यार, ये मेरे शूज तो फिसल रहे हैं यार। थोड़ा आगे आए तो हमें ये एक बहुत बेहतरीन झरना दिखा। आमिर भाई को हवा नहीं गिरा दिया। आमिर भाई हमें फुल ऑन एडवेंचर दिखा रहे हैं। यजदान भाई को बहुत सारा प्यार देने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम जिस हाल में होते हो, या कुरान में से कुछ पढ़ते हो, या तुम लोग कोई और काम करते हो, जब उसमें मसरूफ होते हो। Assalamualaikum everyone, this is Yazdan, welcome back to our channel guys. So, आज हम जाने वाले हैं पूना की बेहतरीन वादियों में, जिसको कहते हैं लोनावला। जाएंगे हरमन के साथ, हरमन के साथ हम जा रहे हैं कहीं पे, आपको जाके ही बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, और वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल जाएंगे लोनावला। ये हरमन तैयार हो चुका है बैग बैग लेके, और डैडी हमारे उधर बैठे हैं मस्त बैठ के यहाँ पे, और दस शर्मा जाते हैं डैडी। मैं क्यों शर्माऊंगा भी, चलो मोहम्मद। तो वैसे ये है हमारी गाड़ी, इसमें हम जाने वाले हैं हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन। ये OTP वगैरह है तेरे पास? है ना, 4008। चलो गाइस पहुंचने वाले, वहीं पे आप यू टर्न मार लो बस। थैंक यू, वी आर हियर। बता देते हैं हम कहाँ हैं, हम आमिर भाई के साथ लोनावला जाने वाले हैं। आमिर भाई और हमदान, अगर आपको पता होगा फार्म हाउस पे गए थे आमिर भाई के साथ, हमदान भी था वहाँ पे, और अगर आपको पता होगा उनके साथ हम मुंबई भी गए थे, वो हमें मुंबई लेके गए थे, अभी हमें वो लोनावला लेके जा रही हैं। घर पे ब्रेकफास्ट बन रहा है हमारे लिए, वो ब्रेकफास्ट लेके आने वाले हैं इधर। तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके हम लोग जाएंगे लोनावला उनकी कार में, इनोवा। 2000 years later। हरमन इधर थक थक के बैठ चुका है, आज डंडा विंडा भी रखा हुआ है। यहाँ पे कोई अंकल सोते हैं शायद, ये बिल्डिंग के मालिक जो है वॉचमैन अंकल, वो मालिक ही तो हैं, उनके इजाज़त के बिना कोई अंदर भी नहीं जा सकता। आज गायब हैं वो। हरमन तुझे अगर सोना हो तो सो सकता है, बट आमिर भाई स्टिल नॉट कमिंग। ये भाई हमारे ऑफिस खोलेंगे हमारे लिए। अच्छा हुआ है इनके पास थी चाबी। अच्छा आपको बोले थे क्या उन्होंने? नहीं मुझे पता है, एक दिन आप आए थे ना। हाँ, अच्छा याद है, तो मैं ऑफिस ही आएगी और कहा। सही बात। ये ख्वार हो रहे थे भाई ने, देख लिया हमें ख्वार होते हुए। आमिर भाई के ऑफिस में आमिर भाई ने हमें बुलाया, बट उनसे पहले हम यहाँ पे आके बैठे हैं और उनका वेट कर रहे हैं, वो आएंगे अभी, हम उनका स्वागत करेंगे। वेट कर रहे हैं आमिर भाई का, अभी उनको कॉल किया था, वो आ रही हैं अभी। माजर चाहता हूँ। कोई बात नहीं, हमने आपकी अच्छे से वीडियो बना ली। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, वो खाना बनाने में टाइम लग गया, नाश्ता ब्रेकफास्ट बनाना था, वो ब्रेकफास्ट वो बनाते वो बनाते। अरे भाई तुम निकल रहे थे तब बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर स्टार्ट किया। हां तो फिर गाइस ये है घर का खाना, इडली वड़ा। वाओ, हम सुबह सुबह खाते हैं वड़ा वैसे, अगर आप जिम जाने के बाद। इसीलिए लेके तो जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, फिर हमें निकलना भी है। चलो चलिए। A few moments later। चलो जी, रास्ता हमने कर लिया है, और भाई ने सैंडविच भी ले लिया है एक और। चलो बैठिए बैठिए, यहाँ से अभी निकल चुके हैं और लोनावला जाएंगे, और सारे भाई हमारे बैठ चुके हैं यहाँ पे। आमिर भाई अपने बाल सेट कर रहे हैं मस्त अच्छे से, सो दैट ही कैन लुक यंग। गाइस लुक एट द सीन हियर। ओए होए होए, तो यहाँ से लोनावला 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर्स। और तुम जिस हाल में होते हो, या कुरान में से कुछ पढ़ते हो, या तुम लोग कोई और काम करते हो, जब उसमें मसरूफ होते हो, तो हम तुम्हारे पास होते हैं, और तुम्हारे परवरदिगार से कोई जर्रा भर भी चीज पोशीदा नहीं रहती, न जमीन में और न आसमान में, और न कोई चीज है उससे छोटी और न बड़ी, मगर किताबे रोशन में लिखी हुई है। फाइनली अगर आपने कल देखा होगा और मुंबई वाला ट्रिप देखा होगा, हम कल बहुत मिस करे थे भाई का VIP का टोल नाके पे हमें, बट बच गए हम। अभी देखो VIP एंट्री कैसे मिलती है, हमारा VIP पास चेक हो रहा है। फिर क्या होता है, ये लोग पास का डुप्लीकेट पास बना के यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, तो फिर उसका
कॉपी निकाल के कलर कॉपी निकाल के बनवा के ऐसे दिखाते हो। सही बात है। फिर वो चेक कर दो उसके अंदर चिप सही है। यहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया था, थोड़ा सा नज़ारे देखेंगे, बट बहुत आवाज़ें आ रही हैं, आगे रुकते हैं। चलिए गाइस, सो गाइस अभी हम जाने वाले हैं वाटरफॉल। कट टू कट भाई, कट टू कट गाड़ी चल रही है इधर, मेन एक्सप्रेस हाईवे। गाइस अंकल हमें रास्ता दिखा रहे, कितने अच्छे अंकल मिले, इनको भर भर के प्यार दो थोड़ा कमेंट में। थैंक यू थैंक यू बॉस। बैकवॉटर आहे ना पावणाच? हां हां तिथे आहे। आणि तिकडे होतो किती लांब पावणाचं बॅकवॉटर? 10 मिनिटं लागते। हां का? काय नाव तुमचं? मच्छिंद्र बोरेकर। बरं, थँक यू ब्रो। अभी हम जाने वाले हैं भूशी डैम। एज पर गाँव वाले भैया जिन्होंने जो एक्सपर्ट है यहाँ के, उनको पता है इन सब चीज़ों के बारे में। वी आर इन लोनावला फाइनली। है भूशी डैम जहाँ पे फुल ऑन भीड़ लग चुकी है, और हम भीड़ में नहीं रहते हैं क्योंकि हम हैं झंडे वाले। यहाँ से दिखेगा बट जगह है वहाँ पे। हाँ ऊपर तो है, दिखते हैं। सो गाइस लोनावला आ चुके हैं। लोनावला जब आप एंटर करते हो, ऊपर आते हो, तो सबसे पहले आता है भूशी डैम। तो ये है भूशी डैम, देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त डैम है। पानी का फ्लो अभी कम दिख रहा है, यहाँ पे बारिश थोड़ी सी चालू होनी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ से अभी हम आगे ऊपर जाने वाले हैं, वहाँ पे हम टाइगर पॉइंट, लाइन पॉइंट, वहाँ पे आमिर भाई देखिए पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। गाइस आमिर भाई आने आ रहे हैं। अल्लाह भाई विजय सर ना भाई साहब, क्या बात है। हमें भी अपने साथ ऊपर लेके जा रहे हैं आमिर भाई। चलो देखिए, आमिर भाई आपको बता रहे थे ना कि आमिर भाई जहाँ से ऊपर चढ़ रहे थे हम वहीं पे ऊपर आ गए हैं, हमें यहाँ पे छोड़ के आमिर भाई नीचे भाग चुके हैं। देखिए मस्त एकदम बढ़िया तरीके से। और अभी यहाँ से मैं कैसे नीचे उतरूँ मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मेरे शूज़ हैं स्लिपरी वाले, और अगर मैं यहाँ से गिर गया हरमन मेरी वीडियो बना लेना, एटलीस्ट कुछ तो वसूल होगा। बारिश हो गई भाई स्टार्ट। ओए होए 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 होए, अरे भाई ट्रैकिंग हो गई आज तो हमारी। गैस बारिश स्टार्ट हो गई थी फाइनली, हम सोच रहे थे बारिश आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश आ गई और अभी हम आगे निकल रहे हैं। ये तो पहला स्टॉप था गैस। एक मस्करी हो गई हमारे साथ, भूशी डैम यहाँ पे है। वो जो पीछे वाला डैम था ना, वो कोई भलता डैम था, हमें पता नहीं कौन सा डैम था। ये है अल्लाह रखा ढाबा। अल्लाह रखा मतलब इन्होंने पंजाबी में लिखा हुआ है, मतलब पंजाबी में लिखे ना रब रखा, तो वैसे ही अल्लाह रखा। ये है भूशी डैम गाइस, ये है भूशी डैम जहाँ पे बहुत सारे वारदात होते हैं। तो यहाँ पे जाना, जाएंगे भी नहीं वारदात के लिए, जाएंगे भी नहीं वहाँ पे, आप ऑनलाइन ही सही है देखना। हाँ क्योंकि यहाँ पे थोड़े भाई नहीं जाने का, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, किसी को मैं दबाव नहीं डाल रहा हूँ, आप जाने तो जाओ अपने खर्चे पे, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस देखो नज़ारे, दबदबा विचार रहा है। कितने नाम दे तो लगता है क्या? एडवेंचर के लिए लेके जा रहे हैं हमारे भाई। गाड़ी हमारी यहाँ पे पार्क कर दी है, यहाँ पे खाने का सामान है, अगर हम थोड़े डिहाइड्रेट हो गए तो पानी वानी इधर मिल जाएगा। और हमदान भाई और आमिर भाई और हरमन भाई के साथ ये इधर नीचे जाएंगे। भाई साहब अरे अरे भाई अरे अरे फंस गए मेरा पैर, काटे लगे ले भाई ध्यान से, मेरे भाई फुल प्रो है। नहीं ये नहीं, ये नहीं भाई, मैं बोला इतना जल्दी आगे। नहीं रास्ता देखो अब कितना खतरनाक रास्ता है। ओए होए होए भाई ध्यान से आना, तुम लोग आगे जाओ। देखो ये मैं इधर ही रुका हुआ हूँ, ये लोग चले भी गए बिकॉज मेरे शूज बहुत फिसल रहे हैं यार, ये मेरे शूज तो फिसल रहे हैं यार। भाई वापस जाना है क्या? चल गाइस, भाई साहब फिसलन बहुत ज्यादा है भाई, आप लोग उठा के लेके जाओगे मेरे को? मैं बोल रहा था ना मेरे फिसलन है, मेरे शूज फिसलन है, स्लिपरी है बहुत। भाई
भाई ये तो पूरा गायब हो गया। अरे मैं बोल रहा था भाई शूज फिसल रहे हैं भाई साहब। अरे अरे भाई फिर तुम यहाँ से आना चाहिए तुम्हें, ये तो एकदम इजी था, ये तुम गलत जगह से ले रहे हो। खून बहाया है तुम्हें, खून वून बहाया है भाई इसने, खून दिया है जाके अभी धोएंगे इसको। अरे वहां मत जाओ तुम, वहां से कहाँ जा रहे हो? नहीं यहाँ पे पानी है ना। अच्छा वहां पे चले जाओ, नहीं तो भाई वहां तो तुम नीचे मिलोगे। तो दोस्त डायरेक्ट नीचे मिलोगे तुम, पकड़ लो मेरे को नहीं तो। अच्छा ये ऐसे बैठे निकल भाई साहब, ये देखो भाई लग गया मेरे को इधर। आपके खड्डे नहीं होते। सो गाइस आमिर भाई इतनी एडवेंचरस जगह पे लेके आते हैं, क्या ही करें, हमें बताया भी नहीं, हम शूज पहन लेते अच्छे वाले। भाई आमिर भाई दूसरे रास्ते से लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से मैं गिरा था तो मेरा गंदा मस्त उत्तवड़े। सो गाइस टाइगर पॉइंट जा रहे हैं अभी ऊपर, अभी कोई भी जंगलों में नहीं जाएंगे। आमिर भाई अपनी जो खुफिया जगहों पे लेके जाते हैं और मैं जाने लायक नहीं हूँ उस जगहों पे। पूरे पब्लिक को, ये पब्लिक इधर ऐसे होती है गाइस, देखिए आप। थोड़ा फर्स्ट एड कर लेंगे अपना, फर्स्ट एड किट यहाँ पे लगाएंगे। इनको मैनुअल भी प्रोवाइड करना चाहिए किस पे क्या लगाना है भाई, ये तो गलत है। गाइस बाहर बारिश हो रही है और इधर हमारा वूंड लग रहा है। ओए होए होए होए, सो गाइस वहां पे हमने थोड़ा सा हमारा इसका काम जुगाड़ किया और यहां से थोड़ा आगे आए तो हमें ये एक बहुत बेहतरीन झरना दिखा और जिसको देख के हमारे आमिर भाई ने जैकेट पहन ली। देखिए हमारे आमिर भाई बन चुके हैं थलपति विजय सर का 2.0 वर्जन। ओहो भाई क्या जबरदस्त है, और वो लेक है देखो वहां पे, क्या प्यारी लेक है भाई। उसमें कोई जानवर नहा रहा है शायद, बट वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है। क्या वाटरफॉल है भाई साहब। और ये रही हमारी गाड़ी, वापस चलते हैं नहीं तो दोबारा गिर जाऊंगा मैं। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग सर? नथिंग नथिंग यू डू, नथिंग, दैट्स द रीजन यू आर, यू ओन टोयोटा इनोवा 22 इनोवा 1MG इज इट। हो यहाँ पे कुछ कांड हुआ पड़ा है, SUV 700 SUV 600 है 700 है पुरानी वाली 700 फंसी हुई है भाई। इस बंदे ने थोड़ा मतलब शान पट्टी करते हुए डिवाइडर के नीचे चढ़ा दी गाड़ी, सड़क के नीचे चढ़ा दी गाड़ी, नीचे फंस गई अभी ढकल के निकाल रहे हो। सो गाइस ये है लोनावाला का लायंस पॉइंट, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। वो देखो हमारे आमिर भाई, आमिर भाई मस्त नजारे ले रहे हैं व्यू का। और इधर से लेते हैं अपन, हाँ ये बेस्ट पार्ट है में खुला खुला, ये वाली नेट नहीं है वहाँ पे। नहीं चांस बचा लिया मैं आमिर भाई को, आमिर भाई को हवा नहीं गिरा दिया। बारिश में भीग रहे हैं हम और गाड़ी हमारी वहां पे खड़ी है थोड़ी दूर, बहुत कठिन रास्ता था। सो गाइस फुल ऑन भीग चुके हैं सब कुछ और हमारे आमिर भाई कुरान ट्रांसलेशन सुना रहे हैं हमें गाड़ी में, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। अच्छी खासी नॉलेज हमें प्रोवाइड करते हैं जब भी इनके साथ जाओ, और अभी भी हमें ये कुछ मसलों के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं अभी गाड़ी रुका के यहाँ पे कहीं पे बात करते हैं। आ चुका है फाइनली, वी गॉट द फॉग गाइस एंड वी आर गोइंग टू एम्बे वैली। मस्त रोड चाचा, देखो बैठो, देखो
जिगरा के बैठे भाई चीचा। अरे भाई देखो ना, अरे चीचा नहीं वो है वो, अरे वो नहीं, अरे वो पुतला है। अरे नहीं पुतला है वो। ओ भाई पुतला है वो, असली में चीचा है कोई, मतलब बोतल के ऊपर बैठा है। तो गाइस हमने यहाँ पे एक टर्न लिया है, आमिर भाई हमें फुल ऑन एडवेंचर दिखा रहे हैं। कहाँ पे एडवेंचर? वे टू इव टेंट। अच्छा यहाँ, ओए भाई यहाँ पे जाना है। ओए होए, सो गाइस वी हैव एडवेंचर गाय मिस्टर आमिर। अच्छा हमारे पास गाड़ी है तो मेरे फिसलने का कोई टेंशन नहीं अभी। सीन है। ओ तो अड्डी हो भाई, जगह तो देखो कितनी सी है, इतनी सी। हम बुन गया अंकल। अच्छा यहाँ पे टेंट वगैरह है, देख लेते हैं। यहाँ पे टेंट देखने आए हैं कि टेंट कैसे हैं भाई। जबरदस्त जगह है, यहाँ पे बंदा टेंट वेंट लगा के, यहाँ पे टेंट भाड़े पे लेके टेंट। टेंट के अंदर कितना सही सिस्टम इन्होंने बिठा के रखा है। शूज ओके, सही बना के रखा है ना। अच्छा यहाँ पे वॉशरूम। अच्छा वॉशरूम है, ओके प्रॉपर वॉशरूम है। एंड यहाँ पे कॉटेजेस एंड टेंट्स बोथ आर अवेलेबल। क्या मस्त सीन है, फैल्कन है, फैल्कन, फैल्कन इन लोनावला, टाइगर पॉइंट के आगे। ये भी कॉटेज दिखा रहे हैं हमें। सो गाइस ये है बालकनी ऑफ दिस कॉटेज, माशाल्लाह जबरदस्त। इसका वॉशरूम भी चेक कर लेते भाई, वॉशरूम तो बहुत सेक्सी है, एक नंबर। और अंदर पूरी सारी फैसिलिटीज हैं, लाइक पूरा मिल जाएगा, जो भी पूरा हर चीज, टेबल टेनिस और डाइस पूल बिल सब कुछ, और इधर इंटरनेट वगैरह सब सब कुछ, सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू, चलो जी। फैल्कन प्रॉपर्टी विला टेंट और क्या है, कॉटेज। उनको आप सबसे कुछ कहना है, क्योंकि वो आपके कमेंट्स देखते रहते हैं इतने सारे वीडियोस में, तो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, जो दिल की उनकी ख्वाहिश है वो व्यक्त करना चाहते हैं आपके सामने। तो चलिए उनको उनको बुलाते हैं। आइए भाई, वो थोड़ा बोल रहे हैं कि कट करो, थोड़ा रुको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे यजदान भाई को बहुत सारा प्यार देने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कहना चाहूँगा मैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी का भला चाहते हैं तब उसको दीन का इल्म देते हैं। तो पहली खुशखबरी आपके लिए ये है कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ताला ने आपको दीन की समझ दे दी है, आपको अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत दी है और दूसरों पे फजीलत दी है। बड़ी बात यह है कि आपने दीन को समझा और समझने की कोशिश कर रहे हो, और अल्लाह ताला ने आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है कि जिनके थ्रू आप दीन की तरफ आए, दीन को समझे। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, तो इस एहसान का हमेशा शुक्र अदा करते रहे। अल्लाह ताला ने आपको जो सारी दुनिया में जो सारी चीजें हैं, जो हर चीज आप बनाई है सब हमारे लिए, तो अल्लाह का हर वक्त में आप शुक्र अदा करते रहे। बस यही आपसे मेरी ये है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बढ़िया हमारे आमिर भाई ने बताया, हमें बोला। लोगों का फिर एक बार से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यजदान को इतना सारा प्यार देते हैं, और मेरे लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं कमेंट्स पे आंसर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और इसके आगे हम जाने वाले हैं एम्बे वैली, उसका आपको पूरा टूर देंगे एंड पूरा अच्छे से एम्बे वैली एक्सप्लोर कराएंगे। और आमिर भाई वहाँ पे लेके जा रहे हैं द एडवेंचरस गाय। चलिए
आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जज़ाकअल्लाह खैर, फी अमानअल्लाह।